आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर हमें कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहिए, इसी के साथ में अभी तक के लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आखिर म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं अधिक से अधिक। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है, जो कि आपको इसमें अमाउंट देखने को मिल गया है 4,00,000 यहाँ पर 84,685.84 पैसे। ठीक है, तो इसमें मुझे यहाँ पर कितना समय हो गया और अभी यहाँ पर कितना मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, वो चलिए हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट हो चुका है, मैंने इसमें 3,50,000 रुपये का इसमें निवेश किया था, जो कि इसके फंड मैनेजर होते हैं उन्होंने भी अपनी इसमें से 3,50,000 रुपये में से फीस काटी थी। ठीक है, अब उन्होंने कितनी फीस काटी थी, यहाँ पर करीब 3,500 रुपये फीस काटी थी। ठीक है, 3,500 रुपये उन्होंने काटे थे। ठीक है, तो ये अमाउंट उस समय मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उस समय बिल्कुल मैं नया था। ठीक है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि आखिर म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, और बस किसी ने कहा और मैंने इसमें पैसे को लगा दिया 3,50,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान का डर होता है। ठीक है, नुकसान किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एक्चुअली में इसमें प्रॉफिट किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल एक एफडी की ही तरह है। ठीक है, पर एफडी से हमेशा आपको बढ़कर ही इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, एफडी में क्या होता है कि आपने 1,00,000 रुपये जमा किए भाई, और उसके बाद में 1 साल तक आपने बैंक के पास रहने दिए, तो उसमें वो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देती है, तो वो आपको सिर्फ 1,00,000 पर 8,000 रुपये ही देगी सालाना। ठीक है, 7% के हिसाब से तो उसकी यानी कि वैल्यू घट रही है, तो आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा, सिर्फ 1,000 रुपये का। ठीक है, अब ये काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि नहीं, ठीक है, इतनी कैसी घट रही है। ठीक है, तो आपको एक मैं छोटी सी यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि आप इस समय जो गाड़ी 1,00,000 रुपए की है, ठीक है, आप उसी गाड़ी को अगले साल में आप 1,00,000 की लेके दिखा दीजिए, वो 1,00,000 कम से कम 10,000 रुपए की आपको मिलेगी, तो आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर रुपए की घट रही है। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो बैंक में पैसे डाल के रखते हैं, मैं कहूँगा कि आप उस पैसे को बैंक में ना डालकर आप उस पैसे को काम पर लगाइए। ठीक है, और उसी पैसे से आप पैसे को कमा सकते हैं। तो किस तरीके से कमा सकते हैं, किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, वो चलिए हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी आपने यहाँ पर ये तो देख ही लिया कि आखिर अभी जो मेरा अकाउंट है वो उसमें म्यूचुअल फंड में मैंने यहाँ पर कितना पैसा निवेश कर रखा है। ठीक है, और ये एकदम बिल्कुल लाइव है, किसी भी तरीके का फ्रॉड या फिर किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका चलिए मैं आपको क्रोम में ले चलता हूँ ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्रोम में जाता हूँ, क्रोम में मैं यहाँ पर लिखता हूँ SBI कंट्रोल रेगुलर प्लान ग्रोथ। ठीक है, अब इसकी जो NAV है वो यहाँ पर अभी कितनी है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसकी NAV है 381.15 है। अब NAV क्या होती है, यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू होती है, यही आपकी चीज़ों को निर्भर करती है, यानी कि आपकी पैसे की वैल्यू को तय करती है। जब भी ये म्यूचुअल फंड यहाँ पर लॉन्च हुआ होगा तो इसके अंदर कुछ पैसे ऐड किए गए होंगे और उसी पैसे के हिसाब से 10 रुपए की एक NAV बना दी गई होगी। आप इसे सीधी लैंग्वेज में कहें तो आप इसकी एक इकाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको ये अभी 49% कुछ यहाँ पर साल में रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अब इसे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसका आप यहाँ पर ग्राफ भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे सिंपली क्लिक करता हूँ, कैलकुलेटर पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं तो सीधे सीधे हम यहाँ पर अभी जो पैसा है, ठीक है, वो हम यहाँ पर 1,00,000 रुपये ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी 10,000 हैं। ठीक है, 10,000 तो मैं यहाँ पर 1,00,000 कर देता हूँ। ठीक है, अब 1,00,000 करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ तो मुझे 1 साल बाद जो पैसे मिलेंगे 1,47,912 रुपये। ठीक है, अब इसमें हमें कितना यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, कितना यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है लगभग यहाँ पर 47,000। ठीक है, अब 47,000 में 1,00,000 की तो छूट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी यहाँ पर ब्याज देना नहीं होता है। ठीक है, 1,00,000 पर बचे आपके यहाँ पर कितने, जो कि 47,000।
अब इसमें 5,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, लगभग यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 42,000 का 1,00,000 पर, ठीक है। अब यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे यहाँ पर पैसे हैं लगे हुए 3,50,000। अब मेरा यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3,50,000 रुपये यहाँ पर कर दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट पर सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम सबमिट पर सिंपली क्लिक करते हैं तो 3,50,000 के मुझे एक साल में यहाँ पर जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 5,17,695 रुपये, ठीक है। एक एक अनुमान है, ठीक है। एन ए भी है, वो थोड़ी बहुत डाउन भी हो सकती है, मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। इतने इस तरीके से आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं, तो अब मुझे यहाँ पर 1,00,000 की छूट हो जाएगी। बच्चे मेरे यहाँ पर 4,17,695 रुपये, ठीक है। तो इसमें से मैं अब एक साल बाद अगर निकालता हूँ पैसे को तब, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 10% ही गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 4,00,000 में मेरा यहाँ पर रुपये चले जाएगा 40,000, ठीक है। लगभग यहाँ पर 40,000 रुपये गवर्नमेंट को मैं टैक्स भर दूंगा टैक्स के रूप में। अब वो टैक्स किस तरीके से काम करेगा, कहाँ पर हम गवर्नमेंट को देंगे, अब गवर्नमेंट उस पैसे को जैसे कि नौकरी है, रोड बनना है और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो पैसों को वहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से तो काम करता है, ठीक है। अब काफ़ी लोग सोचते होंगे कि FD में जो पैसा है हम निकाल लेते हैं, ठीक है, पर FD इसमें भी आप पैसे को निकाल सकते हैं बीच में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तब। पर आपको एक बात को यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो वो लॉन्ग टाइम नहीं होता है, एक शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम में आपको 15% आपको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और आप लॉन्ग टाइम यानी कि एक साल से अगर एक दिन भी ऊपर चला जाता है तो वो आ जाता है लॉन्ग टाइम में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 10% टैक्स पे करना होता है। अगर आप शॉर्ट टाइम में पैसा निकालते हैं तो आपको कोई भी छूट वगैरह नहीं मिलती है, 1,00,000 पर जो भी छूट वगैरह मिलती है वो आपको कुछ नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में उसकी पॉलिसी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जो इसकी पॉलिसी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो इसमें ऐड आ जाता है यार बहुत जल्दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो पॉलिसी है मैंने पढ़ रखी है, ठीक है, और आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे कि 10%, ठीक है, जो कि आपको टैक्स देना होगा टोटल लॉन्ग टाइम, ठीक है, कैपिटल। और इसी के साथ में 1,00,000 की आपको एनुअल यानी कि छूट भी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप एक साल से पहले शॉर्ट टाइम में पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देना होगा टैक्स 15%, और आपको साल में जो भी छूट मिल रही है 1,00,000 पर वो भी नहीं मिलेगी। तो आपको इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके आखिर फंड मैनेजर कौन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पर इसमें अभी नाम देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी आप स्कीम के बारे में पहले समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसमें लॉस किस तरीके से होता है वो चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले अभी लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो सारी कंपनियाँ हर जगह आना जाना हर तरीके का सिस्टम एकदम ठप हो गया था, ठीक है। तो ऐसे में ये है कि आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है, पर अब ऐसा हमेशा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय COVID-19 थी तो इस वजह से वहाँ पर देखने को ये सारी चीज़ें मिली थी। तो उस समय जो उनके शेयर थे वो गिरे थे, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट किस तरीके से होता है, जैसे कि जो भी फंड मैनेजर होता है जब भी हम पैसे को ऐड करते हैं तो वो तो अपनी फंड मैनेजर फीस काट लेता है, ठीक है। उसके बाद में फंड मैनेजर का काम होता है पैसे को निवेश करना। अब वो पैसे को कहाँ कहाँ निवेश करता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे कि कई सारी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, आपने उसमें पैसे फंड में जमा किए 10,000 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं। अब वो 10,000 रुपये को आपके कम से कम 10 कंपनियों में लगाएगा, ठीक है। तो वो 10 कंपनियों में से अगर 2 कंपनी लॉस में भी जाती हैं तो 2 कंपनी उसे रिपेयर कर देंगी, ठीक है, बची क्या है 6 कंपनी। तो 6 कंपनी जो आपको कमा के देंगी वो प्रॉफिट होगा आपका,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसमें प्रॉफिट होता है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आखिर म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, किस तरीके से लॉस होता है और इसी के साथ में किस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ इन सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिले होंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।